फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, और इस हेल्थ टॉपिक में हमने बात की थी इससे पहले वीडियो लेक्चर में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य, यानी कि हम स्वास्थ्य के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले वीडियो लेक्चर में। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए फोर टाइप्स ऑफ हेल्थ आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यानी कि जो स्वास्थ्य के प्रकार में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य के बाद आध्यात्मिक स्वास्थ्य की हम बात करेंगे। देखिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं, मान लीजिए कि देखा जाए कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति का आध्यात्मिक स्वस्थ होना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या होता है बच्चों, कि यह स्वास्थ्य जो है वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हुए बिना अधूरा होता है। जीवन के अर्थ और उद्देश्यों की तलाश करना हमें आध्यात्मिक बनाता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे निजी मान्यता और मूल्यों को दर्शाता है। अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं होता, और यह हमारे अस्तित्व की समझ के बारे में भी अंदर गहराई से देखने का एक तरीका है। देखिए बच्चों, अगर हम साधारण सिंपल भाषा में बात करें तो एक तरह से जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है वो दर्शाता है क्या हमारी सोच को, है ना, हमारे सकारात्मक व्यवहार को, हमारी जो हमारा जो मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं, हमारे जीवन के आदर्श हैं, हमारा सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, दूसरों के प्रति हमें हमारी सहानुभूति, ठीक है, हम अपने जीवन को किस तरह से, किस तरीके से जी रहे हैं। जैसे कि कभी कभी कहा जाता है कि अपनी जो जीवन है उसको एक ऐसा, उसमें जैसे कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, है ना, कि अपने जीवन में जो है उच्च विचारों को शामिल करके हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर, आध्यात्मिक स्वास्थ्य अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है कि अपने जीवन में अपने जीवन में कुछ ऐसे मूल्यों को, अपनी मान्यताओं को सम्मिलित करना कि जिससे हम अपने अंदर, हमारी जो आत्मा है, हम उससे जो है अपने को ऐसा महसूस कर सकें कि हाँ, हमने जो है, हम हर तरीके से सही हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा है कि अगर हम पूरे दिन में जैसे कहते हैं कि किसी भी अच्छे पूरे दिन में अगर आप किसी व्यक्ति को हंसाते हैं तो आपका एक तरह से मतलब क्या होता है कि आपका पूरे दिन का जो वो है, आपको जब आप जब रात को लेटते हैं बच्चों, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब रात को लेटता है और वो सोचता है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या काम किया, ठीक है, किसी को सताया तो नहीं, किसी को दुख तो नहीं दिया, ठीक है, किसी की बुराई तो नहीं की, कोई गलत काम तो नहीं किया, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति की आत्मा उसको झकझोरती है, ठीक है, वो लगता है उसको कि भाई मैंने, हाँ, आज गलत काम की, तो कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में उसको लगता है और वो उसी को लेकर चिंतित रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम पूरे दिन में कम से कम एटलीस्ट एक काम तो ऐसा करें कि हाँ, हमारी आत्मा प्रसन्न हो, हमने किसी को हंसाया, हमने किसी की मदद की, हमने किसी की समस्या का समाधान निकाला, हमने किसी की फाइनेंशियली हेल्प की, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है कि जो हमारे मन को, ठीक है, इस तरह से हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। इस तरह के कार्य, इस तरह के मूल्य मान्यताएं हमें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जैसे आपने अक्सर सुना भी होगा कि भाई थोड़ी देर के लिए जो है वो एकाग्रता आवश्यक होती है, ठीक है, गहन चिंतन आवश्यक होता है, ठीक है, संयम रखना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य से हमें जोड़ती हैं। साथ ही कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं हम, कि आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हो। देखिए, किसी भी व्यक्ति में अगर किसी भी दूसरे प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होगी तो वो खुद ईश्वर से जुड़ जाएगा, ठीक है। किसी की मदद करना, सर्वे भवन्तु सुखिने, ये आपने श्लोक पढ़ा भी है कि सभी सुखी हों का आचरण हो। आपको एक ऐसा आचरण अपनाना है कि आपको लगे कि मेरे साथ सभी सुखी हो, ठीक है। आजकल नहीं तो ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति अगर खुश है तो दूसरा व्यक्ति जो है व्यक्ति उसे देखकर दुखी रहता है कि भाई वो खुश है लेकिन मैं दुखी हूँ क्यों, ऐसी भावना मन में नहीं होनी चाहिए। तन मन एवं धन की शुद्धता वाला हो,
ठीक है, और परस्पर सहानुभूति वाला हो, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखता हो, परिवार में भी जो सदस्य हैं उनकी आपस में उनके लिए एक दूसरे के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, साथ ही परोपकार एवं लोक कल्याण की भावना वाले वाला हो, परोपकार यानी कि दूसरों पर दया रखने वाला, कथनी एवं करनी में अंतर हो, ठीक है, यानी कि ऐसा होता है कि बड़े बड़े बोल बोल देते हैं, ठीक है, कि मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, लेकिन उसको अंजाम देना भी ठीक है होना चाहिए, प्रतिबद्धता कर्तव्य पालन वाला हो, योग एवं प्राणायाम का अभ्यासी हो, क्योंकि योग और प्राणायाम भी बच्चों काफ़ी हद तक हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एकाग्रता देता है, ठीक है, अंदर से हमें स्वस्थ बनाता है। श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति हो, इंद्रियों को संयम में रखने वाला हो, सकारात्मक जीवन शैली जीने वाला हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति, पुण्य कार्यों के द्वारा आध्यात्मिक उत्थान वाला व्यक्ति, अपने शरीर सहित इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु से मोह ना रखना, दूसरी आत्माओं के प्रभाव में आए बिना उनसे भाईचारे का नाता रखना, समुचित ज्ञान की प्राप्ति की सतत इच्छा। अब देखिए बच्चों, ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े शायद आजकल के समय में किसी व्यक्ति में ना मिले, ठीक है, सभी पॉइंट्स तो होने पॉसिबल होते हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अगर हम, तो हम ये सारी क्वालिटीज़ को, इन सारे गुणों को अपने अंदर समाहित करके लाकर उनको हम अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हम अपना सकते हैं, ठीक है, और इस तरह की जो क्वालिटी है, उन गुणों को अपनाकर जो है व्यक्ति क्या होता है, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है, सामाजिक स्वास्थ्य भी वो प्राप्त करता है। अभी हम बात करेंगे आगे सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में, तो ये वाले पॉइंट्स आपको उसमें भी बच्चों हेल्प करेंगे कि किस तरह से सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी हमें यही सारे गुणों को अपने अंदर शामिल करना होता है, तभी एक व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छा हो सकता है। देखिए आ गया सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, तो इसलिए उसका सामाजिक विकास होना, उसका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अभाव में केवल वो एक जो है अपने एक व्यक्तिगत प्राणी मात्र रह जाएगा, फिर उसका जो समाज से जो संपर्क है वो, जो उसका सामाजिक विकास है, जो उसका सामाजिक दायरा है, वो विकसित नहीं हो पाएगा, और उसके अभाव में, सामाजिक विकास के अभाव में उसका सामाजिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो संतोषजनक रिश्ते का निर्माण करना, उसे बनाए रखना हमें स्वाभाविक रूप से आता है, सामाजिक रूप से सबके द्वारा स्वीकार किया जाना हमारे भावनात्मक खुशहाली के लिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होता है। देखिए बच्चों, एक जैसे कि एक हम उदाहरण देते हैं कि हम मान लीजिए अपने परिवार में ही अगर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कुछ कहा सुनी हो जाती है, ठीक है, अपने भाइयों से, बहनों से, या अपने माता पिता से, या अपने सास ससुर से, कोई भी XYZ इसमें कोई भी हो सकता है, तो अगर हमारी उससे कहा सुनी हो जाती है, किसी बात पर हो जाती है, तो हम बोल तो देते हैं, जब गुस्से में आके, क्रोध में आके हम आपस में बहस तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में हम भावनात्मक रूप से हमें ठेस भी पहुंचती है, ठीक है, कि आज मैंने उसको ऐसा कहा या उसने मुझे ऐसा कहा, तो ये क्या होता है, भावनात्मक रूप से हमें, एक तरह से संवेगात्मक रूप से हमें परेशान करता है। तो एक तरह से सामाजिक रूप से अगर हम बात करें, अब तो ये पारिवारिक स्तर पर मैंने आपको बताया, अगर हम सामाजिक स्तर पर आसपास के व्यक्तियों से, जिनसे हमारा संबंध है, या जहाँ भी हम काम करते हैं, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी अगर हमारा सामाजिक संबंध सबसे अच्छा नहीं होगा, तो वो भावनात्मक खुशहाली के लिए, खुशहाली के का कारण वो बन सकता है, ठीक है। अगर संबंध अच्छे होंगे तो भावनात्मक खुशहाली भी अच्छी होगी, और अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे किसी से हमारे, जहाँ पर भी हम जिन रिश्तों को, जिन संबंधों को हम निभा रहे हैं समाज में रहकर, तो वो भावनात्मक रूप से हमें, संवेगात्मक रूप से परेशान कर सकते हैं। अब देखिए सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि जो हमने अभी आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत पढ़े, कि अपने अंदर इन सभी गुणों को लाकर भी हम अपने सामाजिक
स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं कि जैसे जहां हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, वातावरण है, उससे भी हमें जुड़ना है, उसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, तभी हम सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, शुद्ध पेयजल और पानी की टंकियों का प्रबंध हो, मलमूत्र और अपशिष्ट पदार्थों की निकासी की योजना, सुलभ शौचालय, समाज अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह स्वभाव वाला जो है व्यक्ति होना चाहिए, वृक्षारोपण का अधिक अधिक कार्य हो, सार्वजनिक स्थलों पर पूर्ण स्वच्छता हो, यानी कि ये हमारा एक तरह से कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के स्थान को, वातावरण को, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं या जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं, जो हमारा वर्क प्लेस है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वहाँ के वातावरण को साफ़ सुथरा रखना है। ये इंडिविजुअली हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो व्यक्तिगत रूप से अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा बनाए रखे। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि अब कोरोना के चलते हुए जैसे कि इधर उधर थूकना मना है ना, इससे भी क्योंकि वायरस जो है वो वातावरण में आ जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और पीछे अभी पॉलीथीन पर बैन लगा था कि कूड़ा कचरा पॉलीथीन जो है वो इधर उधर नहीं फेंकनी है, ठीक है बच्चों। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए अपने सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। साथ ही जनसंख्या अनुसार पर्याप्त चिकित्सालय हो, संक्रमण रोधी व्यवस्था हो, उचित शिक्षा की व्यवस्था हो, भय एवं भ्रम युक्त समाज हो, मानव कल्याण के हितों का समाज हो, अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। तो अगर हम सभी पॉइंट्स पर ध्यान दें बच्चों, तो इसके अंतर्गत वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि जो एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, हमें जो है वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर तरह से समाज में जो सामाजिक तौर पर जो कर्तव्य हैं, जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, उनका पालन करें, ठीक है। अपना जो है अपने पर्सनली, अपने इंडिविजुअली, व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार हम जितना ज़्यादा बेहतर हैं वो समाज कल्याण के लिए अपना योगदान दें, ताकि हर व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास हो। तो गर्ल्स, आज हमने बात की थी स्वास्थ्य के बारे में, टाइप्स ऑफ हेल्थ। ये टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ हेल्थ कम्प्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू गर्ल्स, टेक केयर।